अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि मैंने आपको अस्सलाम वालेकुम, तो जिस तरह से मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हम किस तरह से अपने पीसी, लैपटॉप और मोबाइल के अंदर से डुप्लीकेट फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, तो उसके लिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है टेक्नोशेयर डुप्लीकेट फाइल डिलीटर। तो ये सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है और किस तरह कहां पर अवेलेबल है, तो चलिए मेरे साथ ब्राउजर पर। तो ये जी मेरा ब्राउजर है और इधर ये मैंने जो है ये साइट खोल के रखी हुई है, तो मैं मजीद आपको एक दफा दिखा भी देता हूँ कि ये किस तरह से आती है। ये जी टेक्नोशेयर फाइल डुप्लीकेटर के नाम से है और ये इधर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, पिछले वाली को डिलीट कर देते हैं टैब को। तो ये जी यहाँ पर बता रहे हैं टेक्नोशेयर डुप्लीकेट फाइल डिलीटर और ये जी फ्री विंडोज वर्जन है। विंडोज 2007 से 2011 तक के तमाम तर विंडोज वर्जन के ऊपर ये सॉफ्टवेयर चल जाता है। इसका फ्री ट्रायल वर्जन जो है वो थोड़ी सी फाइल्स को डिलीट करता है, मैं आपको पहले ही बता दूं, और इसका जो पेड वर्जन है वो आप के काम आ सकता है। इसमें होता क्या क्या है, रिमूव डुप्लीकेट फोटोज, रिमूव डुप्लीकेट वीडियोज और रिमूव डुप्लीकेट म्यूजिक। तो इसको किस तरह से डाउनलोड करते हैं और मजीद इसमें क्या फीचर्स हैं, ये हम वीडियो में आगे चल के देखते हैं। लेकिन इसकी थोड़ी सी जी गाइड को अगर हम खोल लें तो ये हमें बताएगा कि किस तरह से, वो कहता है जी फ्री विंडोज डाउनलोड वर्जन इधर से हो जाएगा और किस तरह से वो करना है। इसमें इस तरह का इंटरफेस शो होगा, इसमें हम अपने फोल्डर को ऐड कर लेंगे। उसके बाद इस तरह के इंटरफेस के अंदर वो कहता है जी सिमिलर स्कैन करें इमेजेस को या स्कैन डुप्लीकेटर। ठीक है, तो किसी को ये बेहतर ऑप्शन है जिसके ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको, स्कैन सिमिलर इमेजेस, ये एक बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है और इसमें बहुत सारा डाटा वो एकदम से इकट्ठा आपको दे भी देता है। और उसके बाद जी वो आगे बता रहा है कि किस तरह से हम ये फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ सॉफ्टवेयर को खंगालते हैं कि किस तरह से सॉफ्टवेयर वर्क करता है। तो सॉफ्टवेयर मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ था जो मेरे पीसी के अंदर मौजूद है, तो यहाँ से मैं आप इसको खोल कर दिखाता हूँ। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये पेड में अच्छा काम करता है, अनपेड या फ्री के अंदर 14 से 15 आपकी फाइल्स को जो है। तो इधर से हम डालेंगे अपना वो मतलूबा फोल्डर अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर मौजूद, जिस पर हमें ये शुबा हो या जिस पर हमें ये पता हो कि यहाँ पर हमारा बहुत सारा डाटा पड़ा है लेकिन वो डुप्लीकेट फॉर्म में मौजूद है। तो चलिए मेरे साथ किस तरह से इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने ड्राइव सिलेक्ट की, यहाँ से मैं जी आता हूँ, ये अपनी फ्लड मोक एक्सरसाइज है और इसमें मुझे पता है कि यहाँ पर जो है वो डाटा मौजूद है। तो मैं यहाँ पर करूँगा स्कैन सिमिलर इमेजेस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मुझे बता देगा कि इसके अंदर कौन कौन से इमेजेस जो हैं वो सिमिलर हैं। तो ये देखिए जी, 2 मिनट और तकरीबन 35 सेकंड के अंदर इसने मुझे उस फोल्डर में से ये ढूंढ के निकाल दिया है कि कौन सी इमेजेस जो हैं वो सिमिलर हैं, यानी वो स्पेस उन्होंने इस्तेमाल की भी है ज़्यादा। ये देखें तकरीबन 122 से और 60 इमेजेस ये बढ़ ही रही हैं। तो जिस तरह से ये कंप्लीट होती हैं तो मेरे लिए आसान। तो मैं सिमिलर इमेजेस को आराम से अपने पीसी में से डिलीट कर दूंगा। तो मेरे साथ आप देख ही रहे हैं कि ये इमेजेस का जो है वो बढ़ती जा रही है। इस तरह से मेरी मतलूबा स्पेस जो कंप्यूटर के अंदर है वो भी खाली हो जाएगी और जो डुप्लीकेट डाटा पड़ा हुआ है वो भी डिलीट हो जाएगा जी। ये सारी जो है वो डाटा इसने मुझे कंपाइल करके दे दिया है। तकरीबन 144 इमेजेस हैं और 325
77 MB की स्पेस जो है वो इस फोल्डर के अंदर से खाली हो जाएगी। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ये मेरे से कह रहा है कि जी ये परचेज वर्जन है, तो वो कहता है जी मैं आपको सिर्फ 14 फाइल्स जो है वो रिमूव करके दूंगा। चलें जितनी भी करके देगा फिल वक्त कर दे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये एक परचेज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसको परचेज कर लें, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। आपके सामने इसके रिज़ल्ट हैं। अगर थोड़े से पैसे लगाकर हमारे कंप्यूटर में से डाटा डिलीट हो जाता है बिना किसी मेहनत के और अपने टाइम को बचाते हुए, तो इसको ख़रीदना भी कोई मज़ाक़े की बात नहीं है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर पसंद कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ।